आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हेलो और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लियर सी एग्ज़ाम्स। आज बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन होने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा ही रहेगा क्योंकि अभी तक हमने मोनोटोनस पढ़ा है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था CBS, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और जब वो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड लेते हैं कि क्या है कंसोलिडेटेड PNL। हमें पता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है, और उसी के बेसिस पे आप बोलो तो हमें पता है कि कंसोलिडेटेड PNL क्या होगा। जैसे कि उसमें दो बैलेंस शीट ऐड होती हैं, वहाँ पे दो PNL ऐड हो जाएगा, दो या दो से अधिक एज द केस में भी। अगर मैथ वाला रहेगा तो क्या बोलेगा, 2 PIL हो जाएगा एलजेब्रा के हिसाब से। लेकिन अगर एक कॉमर्स वाला बंदा बोला कि कितना भी PNL ऐड कर दो होगा तो CPL, कैरिबियन प्रीमियर लीग, डीजे ब्रावो। डीजे ब्रावो का एक नया सॉन्ग आया है नंबर 7, धोनी के ऊपर ट्रेंडिंग में भी था। तो कॉमर्स वाला हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि 2 PNL या 2 से अधिक PNL को हम लोग ऐड करते हैं बेसिकली, उनकी इनकम हमारी इनकम। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। ये प्रॉफिट अपना शो करते हैं, ये भी अपना प्रॉफिट शो करते हैं, बट इनका जो प्रॉफिट यहाँ पे 100% है, मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट करके रखा है और 20% यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है इनका, क्लियर है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो चीज़ों पे आप कंट्रोल ना करते हुए भी कर लेते हैं, जैसे कि एक प्लांट है, आप अगर उस कंपनी के 80% शेयर होल्डर है तो ये तो नहीं बोलोगे कि 80% ऑफ द प्लांट हम होल्ड करें। आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, बोर्ड्स में पावर है, आपके पास बेसिकली कंट्रोल है, तो यू कंट्रोल होल ऑपरेशंस। सो वेदर यू आर होल्डिंग 50, 60, 70, इट डजेंट मैटर, अल्टीमेटली यू आर होल्डिंग द होल कंपनी, यू आर रनिंग द होल कंपनी। उसी लिए उस टर्म को कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, 80% आपने तो दिखाया है कि दिस इज होल्डिंग, बट उसमें 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। सो बेसिकली जो नए आए हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, प्रॉफिट यहाँ पे भी कमाया है, तो ये जो प्रॉफिट इन्होंने 100% कमाया तो ये इनका तो है ही है, लेकिन जो ये प्रॉफिट है उसका भी तो इनका पार्ट बनेगा, तब तो ये ट्रू प्रॉफिट दिखाएंगे, ट्रू पिक्चर दिखेगा इनका। और खुदा ना खास्ता कि इन्होंने इनसे इनकम कमाई है और इन्होंने इनसे इनकम कमाई है, तो भाई घर में ही माल बेच के अगर इनकम कमा रहे तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो इसलिए मैनिपुलेशंस को भी रोकने के लिए, जैसे कि मान लो एक पेरेंट कंपनी है, अपना माल 10 रुपये का 250 रुपये में बेच रही है और बोली दबा के प्रॉफिट इधर कमा रहा हो और इधर लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट ला के एकदम बराबर कर देंगे, या फिर इतना हाई परचेस करेंगे कि यहाँ पे लॉस बुक करेंगे, फिर कंसोलिडेशन में करके यहाँ पे टैक्स बचा लेंगे। सो टैक्स को भी ना चोरी हो, कोई उसका मैनिपुलेशन ना करे, उसके लिए भी जैसे सेम लॉजिक वॉज इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑल्सो, ठीक है। तो ये बेसिक्स थोड़े से बहुत हैं और आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर अगर आपको एकदम बोल दिया जाए कि क्या है कि भाई ये दो है, इसको सिर्फ ऐड वाला बटन दबाओ, यहाँ पे रेवेन्यू दिखा रहा है, इधर रेवेन्यू दिखा रहा है, ऐड कर दो, इधर कॉस्ट दिखा रहा है, इधर कॉस्ट दिखा रहा है, ऐड कर दो, फिर टैक्सेस जो पे हुआ है उसको माइनस कर दो, ये PBT आ जाएगा, टैक्स माइनस किया पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें एक कैलकुलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको, ठीक है।
तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितना प्रॉफिट पेरेंट का जाएगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूशन टू पेरेंट और एनसीआई। मान लो कि जो सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी जो है उसने कमाया 1,000, उसमें पेरेंट का कितना है और एनसीआई का कितना है, दैट इज एट्रीब्यूशन। एज आई सेड कि यहाँ पे 100% तो ये जो कमाया तो इनका है। अब ये जो 100% कमाया तो इसमें 80% तो इनका होगा ना, क्योंकि ये भाई साहब होल्डिंग है। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन, जहाँ से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। और करते करते बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे आईसीआई के मैट में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, हमें पढ़ाया तो जा रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन क्वेश्चंस कंसोलिडेटेड पीएनएल के नहीं दिए हुए हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है? ये हमने लिया है आईएफआरएस यूके के स्टडी मैट से। क्लियर है? और अपने आईसीआई का फेवरेट प्लेस है सरप्राइज देने वाला, वहां से क्वेश्चन पिक करके एग्जाम में आते हैं बहुत। ठीक है, मतलब कहीं सरप्राइज देना है तो हम पुराने दोस्त को याद करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर पी एंड एस फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2004 आर एस सोन बिलो। कोई बात नहीं है, इनके पीएनएल दिए हुए हैं हमारे पास, अच्छी बात है। पी अक्वायर्ड 75% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ एस सेवरल ईयर्स अगो। ठीक है, तो इनकी जो होल्डिंग है वो 75% और जो एनसीआई है वो 25% है। रेवेन्यू दिया हुआ है, ये पी है और ए एस है, इतना इतना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, ये खर्चे इनके, और ये आया ट्रेडिंग प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इन्होंने किस में किया है? पी हैज़ इन्वेस्टेड इन एस, तो उससे अगर ये इनकम कमा रहे हैं तो उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलिए भाई और बहनों, एलिमिनेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ओके, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? अपने घर में इनकम कमा के बोलो कि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद आ गया पीबीटी, फिर टैक्सेस, प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लियर है? अब ये जो डेटा दिया हुआ है ये सेपरेट है, मतलब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे है और इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे। जब हम इसको कंसोलिडेट करेंगे तब ये डेटा कैसा दिखेगा, वी विल सी दैट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास डेटा में दिया हुआ है रेवेन्यू दिया हुआ है, हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है सेल्स एंड एक्सपेंसेस का, फिर टैक्सेस दिए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम है, जिसमें से हमने इन्वेस्टमेंट इनकम को एलिमिनेट कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? खुश हैं आप? ओके, टैक्सेस जरूर आएंगे, कॉस्ट जरूर आएगा, रेवेन्यू जरूर आएगा। अब इसमें क्या बटन दबाना है हमने को? प्लस का। अगर यहाँ पे एक एक्सेल यूज करता तो ऑल्ट इक्वल टू मारता, सारा टोटल यहाँ आ जाता, कितना इसी रहता। नहीं, उसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने बोला कि एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यही मेन चीज है, और बाकी तो हाँ चलेगा वाला, जैसे अपने सीबीएस में किए थे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, वहाँ और यहाँ पे भी वैसे ही है, बट यहाँ पे जो एक यूनिक भाई साहब आगे खड़े हैं वो ये हैं। ओके, कैन वी स्टार्ट? ओके, लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। कलर हम लोग बनाने वाले हैं कंसोलिडेटेड,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा सेफ सिव्स यूज़ कर लेते हैं, हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बट अभी थोड़ा रिलैक्स होके पहला समय ना थोड़ा सा इज्जत देते हैं, समझते हैं। चलिए, तो इनकम इनकम में आएगा पहला रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है? 2400 प्लस 800, तो यहाँ पे थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड। और कोई इनकम है तो उसको क्या लिखते हैं? अदर इनकम। है तो ज़रूर अदर इनकम, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट वाली इनकम, लेकिन वो तो हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये टोटल हो गया प्रॉफिट वाला सेक्शन। फिर आते हैं अपने एक्सपेंसेस पे। कितना इजी देख रहे हैं, एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस, अब इसकी फिगर क्या है? इसके फिगर्स हैं 2160720, तो इनको भी ऐड कर देंगे। और ये आ जाएंगे 2880। टू वन सिक्स जीरो प्लस 720। कैल्सी का साउंड अच्छा लगता है, एकदम जबरदस्त। और कोई अदर एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो इनके भी टोटल हो जाएंगे 2880। और उसके बाद आता है प्रॉफिट। बिफोर टैक्स तो माइनस करते हैं 3200 2880, तो आ गया 320। मैंने 2880 कैलसी पे रखा था, फिर माइनस दबा दिया तो आ गया वैसे एक ही बार, इसलिए साउंड आया। ठीक है, फिर आते हैं टैक्सेस। बिफोर टैक्स दिया है तो नीचे टैक्स ला देते हैं। टैक्सेस में हमारे पास 115 प्लस 38, दैट इज 153। टैक्सेस को माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 167। अब लाइन काउंट आने का, ओहो थोड़ा सा अपने सही जा रहे थे, बस हल्का सा डाइवर्ट हो गया। ओ चलेगा क्या? चलेगा। सो दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब मेन कैलकुलेशन यहां शुरू हो रहा है। हम लोग कंसोलिडेशन कहाँ कर रहे हैं, कोई बताएगा? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड एंड से कंसोलिडेशन कहाँ कर रहे हैं? सब्सिडरी में कर रहे हैं या पेरेंट में कर रहे हैं? तो ऑफ कोर्स पेरेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है 167, उसमें से पेरेंट का कितना है और अपने एनसीआई का कितना है, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एट्रीब्यूशन। ये तो प्रॉफिट आ गया आपका भाई, लेकिन अब इसको हमें एट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि
कितना किसका है भाई। देखो जैसे दो भाइयों का घर में बंटवारा हो जाता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए बट होता है, हार्ड ट्रूथ है बट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ का जो प्रॉफिट है उसको भी तो बांटना पड़ेगा। देखो हमको बांटने में कोई मतलब प्रोफेशन मतलब घर हम नहीं बंटवाते, लेकिन अपने प्रॉफिट बांट सकते हैं। बोले भाई क्या बोल रहे हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रॉफिट आया है यहाँ पे 167, उसमें से किसका कितना है उसको दे देना है, बस इतना सिंपल। घर और नहीं बांटते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बांटते हैं, कॉमर्स वाले हम ना, प्रॉफिट बांटते हैं। जैसे रिटर्न लगाना हो तो बोलेंगे आपका इतना प्रॉफिट है, हम आपका इतना टैक्स लगवा देंगे, लेकिन इतना परसेंट मेरे को चाहिए प्रॉफिट का, ठीक है, फीस। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट एट्रीब्यूशन। जो भी आता है प्रॉफिट, उसमें से ऑडिटर्स फीस को एकदम हाईलाइटेड करके दिखाया जाता है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि 167 को हमें एट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट एट्रीब्यूशन टू एनसीआई। अब एनसीआई का प्रॉफिट कितना है, कितना भी हो वो कैसे निकलेगा सोचते हैं एक बार। पहली बात तो पेरेंट ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो 100% पेरेंट का है। जो सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वो 80% पेरेंट का है, 20%, सॉरी इस केस में 75 और 25 है, मैं एग्जाम्पल के फ्लो में बोल रहा था। तो 75% इनका है और 25% इनका नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब्सिडरी का अलग से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, अलग से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब अलग से जो भी प्रॉफिट आता है उसका मान लो 100 आता है, तो उसका 25% हम लोग एट्रीब्यूट कर देंगे एनसीआई को, और जो बाकी बचा दैट इज भाई साहब पेरेंट। क्लियर है। अब ये जो प्रॉफिट है अगर इस लैंग्वेज में बोला जाए तो 100% प्लस 75% प्लस 25%, मतलब इसमें सारा प्रॉफिट मिला हुआ है। तो इसमें जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से ये एलिमिनेट कर देंगे तो ये प्रॉफिट बच जाएगा जो कि हो जाएगा पेरेंट का। वाह समझो कितना अच्छा टाइमलाइन बताएं आपको। चलिए तो फिर करते हैं। ओ आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा वो, मैं फिर से बनाता हूँ। ये जो प्रॉफिट है वो 100% प्लस 75% प्लस 25%। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से 25% को एलिमिनेट करके एनसीआई में दे देंगे। एलिमिनेट हो गया तो जो बचा ये प्रॉफिट वो हो जाएगा पेरेंट का। क्लियर है। तो चलिए करते हैं। चलिए पहले निकालते हैं सब्सिडी की प्रॉफिट। ऑल दो यहाँ पे दिया हुआ है ये इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर टैक्सेस माइनस करके 42 आया है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा सकते हैं क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेशन होगा, यहाँ पे पूरी स्टोरी यहीं पे लिखी जाएगी। ये रहा कॉस्ट टू सेल्स एंड एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे टैक्सेस, तो ये आ गया 42%। अब ये 100% प्रॉफिट अब सब्सिडरी है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% विल बी एट्रीब्यूटेड टू एनसीआई एंड दैट कम्स टू 10.5।
और जो रेस्ट है वो है प्रॉफिट एट्रीब्यूशन या फिर एट्रीब्यूटेड टू पेरेंट, ये 10 है। कोई 6 समझ रहा होगा तो समझ सकता है, क्योंकि मेरा 6 और 0 एक ही जैसा दिखता है। 10.5 आई विल इम्प्रूव दैट डेफिनेटली। क्लियर है? तो ये हो गई प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी। पेरेंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बना रहे थे तो इनकी प्रॉफिट दिखाने जरूरी थे और हमने दिखा दी। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें यहाँ से भी अगर करना रहे तो कर लेंगे क्या? इसका प्रॉफिट कितना आया? 1 to कैलसी कैलकुलेटर, 1 to 6.5 प्लस 42। इसको एलिमिनेट कर देते हैं, 1 माइनस 1.5, तो ये आ गया 167। टोटल आया 168.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 167, और 167 में हमारा 42 का 25% एलिमिनेट कर देंगे तो आ जाएगा 10.5। तो इसमें से 10.5 माइनस कर दिए तो 156। ये सब बहुत ही इजी है एग्जांपल के लिए बेसिकली। अभी मतलब लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, देखो पूरा हिल गया सिस्टम आवाज उठाते ही। इसको थोड़ा सा करते हैं अपने बड़ा, और आपको कुछ दिखाते हैं, वो होगा ये और ये। क्लियर है? अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 38। अब कौन सा करेंगे? 39। फिर कौन सा करेंगे? बोले क्या पता है मेरे को। टोटल क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग 7 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 39। ऑन 1 जैन 2009 जेड अक्वायर 60%। ओहो, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ दिखता है, वो कि एनसीआई कितना है, 40% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एक्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय जेड एन एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं जब मांगो तब। वैसे हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना तो यार क्लाइंट डेटा ही नहीं देता, बोलता अभी तैयार हो जाएगा, कल दे देंगे, आज दे देंगे, तब तक ऑडिट पीरियड खत्म हो जाता है। तो टाइमलाइन जरूर दीजिए। रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट दो टाइप, दो कॉस्ट दिए हुए हैं, तीन कॉस्ट हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया ये, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम है, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन पीबीटी, एंड टैक्स लगा के प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लिया। अब जैसे हम लोग एक एक लेबल बढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा लेवल अप हो गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, ये 2009 ही है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। यस, दैट्स 2009। और क्या हो सकता था इसमें? हम भी ना हैज सोल्ड 80, इसके लिए मैं देख रहा था 84,000 वर्थ ऑफ गुड्स टू एक्स। दीज गुड्स हैड कॉस्ट ऑफ ₹56,000 ऑन 31 दिसंबर। एक्स स्टिल होल्ड्स 36 वर्थ ऑफ दीज गुड्स इन एक्स इन इन स्टॉक और इन्वेंट्री बोल सकते हो, ठीक है? तो इन शॉर्ट बोले तो 84 का इन्होंने माल दिया,
जिसका कॉस्ट 56 था और उसमें से 84 में से अभी 36,000 बचा हुआ है। तो आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, अरे वो अनरियलाइज प्रॉफिट वाला, समझ गए? समझे कि नहीं? तो जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 84,000 का कोई भी, मान लो ये पेरेंट है और ये भाई साहब सब्सिडरी है, फटाफट बता देता हूँ मैं। इन्होंने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेचा जिसका कॉस्ट है 56,000 और इन्होंने बेचा 84,000 पे, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट कमाया, जबकि एक्चुअली इन्होंने तो घर में ही माल बेचा है। तो कंसोलिडेशन जब करेंगे तो इसको क्या करेंगे, अपने आप को हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअली हमने आपको प्रोडक्ट बेचा, आपने प्रोडक्ट को अब फिर आगे सेल कर दिया, तो बेसिकली इस घर से निकाल के उस घर से प्रोडक्ट आगे गया है, तो उसमें अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो ट्रांसफर बेसिकली, तो दैट प्रॉफिट इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड, दैट प्रॉफिट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड प्रॉफिट, क्लियर है? चलिए बनाते हैं फिर इसका भी डेटा, बायोडेटा। इसमें क्या क्या डिटेल है हमारे पास, इनकम ये है अपने पास, एक रिवेन्यू की है, एक इन्वेस्टमेंट है। क्या इन्वेस्टमेंट आएगा क्या इवन, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर 60% इन्होंने इन्वेस्ट किया है एस में और उससे वो इनकम कमा रहा है, दैट शुड बी एलिमिनेटेड, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं, वो दैट इज नॉट प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको एक इनकम हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, तीन एक्सपेंसेस है, फिर वीबीटी टैक्सेस, पैट, एट्रीब्यूशन। सिंपल सेप्स बनाए जाए, थोड़े बहुत बना लेते हैं अपने। हाँ जरूरी था। ओके, कोई गा रहा है क्या? तो ये हमारा बनेगा कंसोलिडेटेड, फटाफट बनाएंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इनकम, रिवेन्यू 1260520, 1260520, संग बज रहा हाथ जोड़ लीजिए, 520 हम जोड़ लिए, सुबह पूजा कर लिए भाई साहब, तो क्या भैया, हम अगरबत्ती दिखाना पड़ता है, हम लोग के घर में मैंडेटरी है। लेकिन क्या भैया, क्या बोल रहे हो, क्या हो, दिक्कत क्या उसमें, पूजा ही तो करना है यार, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, कितना है? ये हो गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस रिवेन्यू में एक रिवेन्यू कहाँ होगा, मतलब सेल और परचेज हुआ होगा यहाँ पे, जो 84,000 का क्या दिखाए होंगे सेल, एक लोग क्या दिखाए होंगे परचेज, समझ रहे हो? तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको कॉन्ट्रा है, मतलब एक दूसरे को जब आप माल बेच रहे हो, तो ये 1260 यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, 84,000 जो था उसको एलिमिनेट कर देंगे, ये रुपीज़ इन थाउजेंड है,
चलिए, तो ये हो गया 1780 माइनस 84, दैट इज 1696। अदर इनकम आएगा क्या? अदर इनकम आएगा क्या? वो है इन्वेस्टमेंट वाली इनकम, जो कि है 36 की, और इसे हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इनकम है ही नहीं। तो इसका टोटल आ गया 1696। फिर बात करते हैं एक्सपेंसेस की। कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर एक कॉस्ट था डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक कॉस्ट था एडमिन एक्सपेंसेस का। क्लियर है? तो 180, 60, 120, 90, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो एक कॉन्ट्रा भी आएगा, और एक चीज़ आएगी जो कि है अनरियलाइज प्रॉफिट, उसको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया 180 प्लस 60, और ये हो गया 120 प्लस 90, तो इसकी वैल्यू आ गई 240, 210। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ सेल्स 420, 210 जो हम लिख रहे थे अभी, दो सौ दस। अब ये जो यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आएगा क्या? कॉन्ट्रा एंट्री। अब एक चीज जो और आएगी वो क्या होगी? यहाँ पे जो आया 36,000, उसको भी तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो 84,000 का इन्होंने बेचा है प्रोडक्ट 56 का, ठीक है? तो इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 50% का। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन दिखा सकते हो, मान लो वर्किंग नोट दिखाना हो तो दिखा सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एटी फोर थाउजेंड का था प्रोडक्ट, तो इसमें प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो 84,000 माइनस कर सकते हैं 56 डिवाइडेड बाई 56, दैट विल कम 84 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 56, दैट इज 28,000। 56, ये 50% का प्रॉफिट है। तो जो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कितना होगा? 36,000 हमारे पास पड़े हुए हैं, ये 150 का, और इसमें इंटू करेंगे 50, तो ये आ जाएगा 12,000। क्लियर है? तो ये जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, एक्स स्टिल होल्ड 36,000 वर्थ ऑफ दीज गुड्स इन एंड एक्स फॉर द इन इन्वेंट्री,
मतलब उसकी इन्वेंट्री में अभी 36,000 पड़ा हुआ है। सो इस 36,000 में कितना प्रॉफिट एक्सेस वाला है, समझ रहे हैं? तो वो है अनरियलाइज प्रॉफिट, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे और इसका टोटल आ जाएगा 420 प्लस 210 -84 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 558 और इसका टोटल आ जाएगा 240 210। तो यह आ जाएगा अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वन सिक्स नाइन जी नाइन सिक्स -1008, 1696 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 688। लाइन टालना पड़ेगा अपने को। वी आर गेटिंग गुड एट इट, देखो थोड़ा सा स्ट्रेट हो रहा है। फिर माइनस क्या करेंगे, टैक्सेशन, टैक्स टैक्स कितना है, 130 प्लस 20 50, 156, तो यहाँ पे आ जाएगा टैक्स 156, दैट कम्स टू 532। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर अपने कैलकुलेशन करते हैं, टू एन सी आई टू पेरेंट, तो एनसीआई का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अपने। आई मीन उसके लिए हमने को क्या करना, कैलकुलेट करना पड़ता है, पहले सब्सिडी की प्रॉफिट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो सब्सिडी की प्रॉफिट दी हुई है 160 -26 करेंगे तो आ जाएगी 134। उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 134 में से हमें जो 40% है उसको एनसीआई में एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी हमने ऊपर बात किया था इसके ऊपर, तो दैट कम्स 53.6 और जो रिमेनिंग बचा माइनस करेंगे 532 तो आ गया 478.40। अब यहाँ पे एक गलती होती है बहुत लोगों से कि ये जो प्रॉफिट आया इसका बहुत लोग 40% निकाल के एनसीआई में दे देते हैं और 60% बोलते हैं पेरेंट का है। बट एक्चुअल में हमने अभी जो बताया था आपको, एक्चुअल में ये 100% तो पेरेंट का है इसमें, प्लस जो सब्सिडरी की है वो है 60% +40%। तो हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से 40% एलिमिनेट करेंगे तो इसका जो 60% वो बचेगा और इसका 100% बचेगा, तो फिर आ जाएगा 100% प्रॉफिट ऑफ पेरेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे हम निकालने लगते हैं 60-40 करके, बट एक्चुअल में जो कैलकुलेशन है वो ऐसी होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? ओके, तो इस क्वेश्चन की समरी क्या होगी? इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट थी, वो थी कॉन्ट्रा की,
जो कि यूनिक है, मतलब बहुत बार किया हुआ हम लोगों ने, सीपीएल में यूनिक मिली हमें, और एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट को हमने कहाँ ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और अगर आपका ये डाउट है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्यों ऐड किया, देखिए कि अभी हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, उस पर हमने प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर प्रॉफिट बुक किया हुआ है तो उसके रिस्पेक्टिव में अगर हम एक्सपेंस बुक कर देंगे तो हमारा वो एलिमिनेट हो जाएगा प्रॉफिट, और जो बचेगा वो 24,000, 24,000 क्यों, 36,000 था जिसमें से हमने 12,000 हटा दिया था। ठीक है, आई गेटिंग माई पॉइंट। आपके पास टोटल 84,000 का प्रोडक्ट था, उसमें से जो बिक गया उससे हमने अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आता है वो एट द एंड आता है। और 84,000 जो बिक गया उससे हमें मतलब नहीं जो थर्ड पार्टी को बिका, लेकिन जो अपने एक दूसरे में बिका उसके लिए तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया कि भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये परचेज एंड सेल कुछ भी करो वो कॉन्ट्रा होगा ही होगा अगर आप एक दूसरे को परचेज सेल कर रहे हो। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, ये कॉन्ट्रा हमने कर दिया। लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 36,000 का जो बैलेंस दिख रहा था इन्वेंट्री में, इसको जब हम लोग सीबीएस बनाएंगे तो यहाँ से भी इसको हटा देंगे, और यहाँ पे जो अपने सीपीएल बनाए तो सीपीएल में हमने एडिशनल कॉस्ट ऐड कर दिया था 12,000 का, जो कि था अनरियलाइज प्रॉफिट। क्लियर है? ओके। और इसके ऊपर मतलब अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, तो हमने बहुत सारे सम्स किए हैं अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर, तो आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे पूरी सीरीज को अगर फॉलो करें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी सीरीज है, उसमें हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं। क्लियर है? अब अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे एक पॉइंट पे यहाँ पे डाउट आ सकता है बहुत लोगों का, वो है यहाँ पे -12 हमने क्यों किया, इसको समझाते हैं थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं ना, जल्दी क्या है, कुछ लोग नए भी होंगे, डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर रहे होंगे, तो उनको भी समझाना ज़रूरी हमारा फ़र्ज़ है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड पीएनएल, ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री रहती है उसे वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब वहाँ से घटा देते हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी रिड्यूस हो जाती है। और ये हम लोग बात करें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के एडजस्टमेंट की, कलर चेंज कर देते हैं, प्रॉफिट एडजस्टमेंट की। अब जब सीपीएल में आते हैं तो हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेसिकली बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, COGS में हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब ये होता क्या है, ये होता है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब
जो पहला एडजस्टमेंट हमने किया क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया, उसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे मान लो जी 100 था उसमें से हमारा 12 अनरियलाइज प्रॉफिट था, अब ये 88 हो गया। तो इसकी वजह से तो COGS का जो वैल्यू है वो हायर होना चाहिए, वो और हायर बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग COGS में अगर 12 ऐड करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिड्यूस किया गया है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उसके वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, तो हायर होना चाहिए तो इसलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में CPL में ऐड कर देते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। टेक्निकल है थोड़ा, सिंपल सा समझिए कि CPL में जो एंट्री होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड हो जाते हैं और CBS में हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस करने से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हायर होगा, तो इसलिए हम लोग CPL में उसको ऐड कर देते हैं तो हायर वैल्यू देगा यहाँ पे। आई होप इट मेक सेंस। और सिंपली आप ये समझिए कि यहाँ पे आपको माइनस करना है और यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री में माइनस करना है, यहाँ पे COGS में ऐड करना है, हमेशा जब भी बात आएगी अनरियलाइज प्रॉफिट की। आई होप यू आर क्लियर। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल अस एट clearcexams। इफ यू डोंट फील लाइक clearcexams@gmail.com, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। बहुत लोग कमेंट नहीं करते, दे मेल अस, सो वहाँ पे भी रिप्लाई करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, वहाँ पे भी हम आपको रिप्लाई देंगे इफ़ यू हैव एनी डाउट। चलिए अब इस पे लेयर बढ़ाते हैं, मज़ा आ रहा है ना। 38 में हमने कुछ किया, अब आगे बढ़ते थोड़ा थोड़ा लेयर अप करते हैं, ठीक है। 39 के बाद क्या आएगा? 39 के बाद आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40 करें। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 40? पहले ये देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में सवाल क्या है, आखिरकार सवाल में सवाल क्या। हाँ आई नो आई नो आई नो कि थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो आई फील कि अच्छा। हाँ हमसे पूछा क्या गया, प्रिपेयर दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। हमसे पूछा गया कि आप CPL बना के दिखाइए हमें, जो कि हम कर रहे थे। लेकिन लेकिन अब इस क्वेश्चन में मसाला बढ़ गया है। पहले हम लोग थोड़ा सा जीरा धनिया पुदीना डाल के बना ले रहे थे, जैसे आप काढ़ा बनाते हो तो काढ़ा बनाने का अभी जो मेरा, मैं जनरली दो ही चीज़ बियर कर पाता हूँ, मैं से इलायची डलवा लो, इलायची तो टेस्ट के लिए होता है, अदरक तक मैं सह लेता हूँ। अदरक के बाद जो काढ़ा में दालचीनी काली मिर्च ये सब वो सब नहीं चलेगा भाई साहब, बट मैं अदरक का काढ़ा पी लेता हूँ। बट बहुत लोग बोलते हो दैट इज़ कॉल्ड जिंजर टी, बट मैं उसमें टी नहीं डालता ना, सो अदरक काढ़ा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 40, एकदम इजी इजी। 38 से 39 आए, उसमें एक एडजस्टमेंट थी हमें, उस एडजस्टमेंट का नाम कोई बताएगा क्या मुझे? उस एडजस्टमेंट का नाम था, एक कॉन्ट्रा थी और उसी से रिलेटेड है अनरियलाइज प्रॉफिट। वाह क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40, सेट आउट बिलो आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ पी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी हैज फॉर द ईयर एंडेड। ओके, ऑन 1 जैन 2006 पी परचेज 75,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन एज फॉर फ्रॉम एन इशूड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, जिसकी वैल्यू रुपीज 1 थी, ठीक है।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 दिया हुआ डिटेल। यहाँ पे क्या स्टोरी है, सॉरी नहीं, क्या लाइन दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये हमारे पास ड्राफ्ट पीएनएल है सबके अलग अलग, और 1 जैन 2006 की बात है। इन्होंने अक्वायर किया था एस 75,000 ऑर्डिनरी शेयर्स उसके खरीदे थे। ठीक है, इतना काफ़ी हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। कंसोलिडेटेड पीएनएल में रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो दो एक्सपेंसेस है, एक रिवेन्यू है, एक और एक्सपेंस है फाइनेंस कॉस्ट। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। चलिए, ये तीटा तो अभी तक हम कॉमन देखते आ रहे हैं इनकम एक्सपेंसेस का। अब यहाँ पे लिखा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एडिशनल भी है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक जो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखा है वो है 1। अब इसमें 1, 2, 3, 4, देर आर 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट। यू कैन से अर्लियर वी यूज टू हैव 1, नाउ वी विल हैव 4। तो लेवल बढ़ रहा है अपना धीरे 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 धीरे, क्लियर है। ड्यूरिंग द ईयर एज सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 मार्कअप ऑफ 1/3, ठीक है। ओनली 20% ऑफ दिस गुड्स सोल्ड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 80% अभी भी स्टॉक में उसने 1/3 प्रॉफिट कमाया उस पर। तो अपने को क्या करना है, आई नो यू नो, यही वाला पॉइंट तो अभी तो हम करके आए हैं। तो यहाँ तक तो स्टोरी ओल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि यहाँ तक हमें आता है, मतलब करने के बाद सारा आ जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ तक आता है। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए, चाहे चाहे जहाँ रहिए। गुडविल हैज़ बीन सब्जेक्ट टू एन इम्पेयरमेंट। ओ हो, सारा कंपनी का गुडविल चला जा रहा है। जो चाइनीज फोन्स के अभी गुडविल डाउन हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईच ईयर सिंस एक्विजिशन एंड द रिव्यू एट द एंड ऑफ द ईच ईयर रिवील्ड अनदर इम्पेयरमेंट। मतलब हर ईयर एंड पे सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट हम चेक करते हैं कि इम्पेयरमेंट है या नहीं, और इस साल है भी 5,000 का। द करंट इम्पेयरमेंट इज टू बी रिकॉग्नाइज एज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट। माई बाप, जो बोली कर लेंगे, जो बोलिए कर लेंगे, ये क्वेश्चन में बोला है जैसे वैसे करेंगे भाई साहब, कुछ इधर उधर का नहीं। कहाँ उसको रिकॉग्नाइज करना है वहाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वॉज मेड एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन एडिशनल डेप्रिसिएशन। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन बोल सकते हो, हुआ वहाँ पे एंड हैज़ रिजल्टेड इन एडिशनल डेप्रिसिएशन। उसकी वैल्यू बढ़ी, उसकी वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा 15,000 का। इट इज़ अ ग्रुप पॉलिसी दैट ऑल डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी ग्रुप की पॉलिसी, भाई साहब हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए गुरुदेव, बोलिए जो बोलिए वो करेंगे हम। यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्या है, भगवान है भाई साहब, जो बोल रहा है क्वेश्चन वो हम करेंगे। पी वैल्यूज बोला कि डेप्रिसिएशन जो एडिशनल लगा उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालो, इम्पेयरमेंट को ऑपरेटिंग कॉस्ट में डालो, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पी वैल्यूज द एनसीआई यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड। अब पी यूज़ करता है फेयर वैल्यू मेथड, ये हमारे पास एडिशनल डेटा है। क्वेश्चन क्लियर है कि एक गुडविल है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, और एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन में ये जो एडजस्टमेंट है वो एक आपको देखने को मिली कि हमें कॉन्ट्रा और अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो सब्सिडरी है उसने गुड्स सोल्ड किया है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा जो पैरेंट कंपनी था जेड उसने गुड सोल्ड किया था एक्स, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये भी इस क्वेश्चन का यूनिक पार्ट है और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है।
तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना और बाकी एक एक करके अपने देखते जाएंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ वैसा वैसा अपने करते जाएंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिप्स बना लेते हैं, थोड़े से सिप। बार बार टालना रहता था इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते इस बार, क्योंकि अपने स्ट्रेट लाइन ज़्यादा अच्छी टा नहीं पाते। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट करते हैं क्वेश्चन में। इनकम पहला क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू में एक एडजस्टमेंट होगा, दैट विल बी कॉन्ट्रा अफकोर्स। कितना परसेंट होल्डिंग है, 75% पूरा इशूड कैपिटल 1 लाख था, जिसमें 75,000 इन्होंने अक्वायर किया, 25% एनसीआई, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो रिवेन्यू ये रहा, रिवेन्यू 600 प्लस 300 और जो कॉन्ट्रा है वो है 20 का, फिगर्स आर इन 1000 रुपीज़ लिखिए, डॉलर लिखिए, हमारे एग्ज़ाम में तो आएगा तो रुपीज़ लिख के आएगा ना, इसलिए हम रुपीज़ लिखते हैं। तो ये आ गया 880, फिर आ गए, यही टोटल है इनकम का, और कोई इनकम तो थी नहीं। फिर आ गए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट तो अपने को लेना है ऊपर वाला, और उसके साथ साथ अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना है, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स है 360 प्लस 140। और माइनस तो करेंगे जो कॉन्ट्रा वाली एंट्री है, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा कॉस्ट में। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, अनरियलाइज प्रॉफिट अपना निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और नीचे भी। 20 का 80% स्टॉक में, जिसपे 1/4, 1/3 ऑन द कॉस्ट दिया हुआ है, 1/3 ऑन द कॉस्ट मार्कअप मतलब कॉस्ट, और 1/4 ऑन सेल्स हो जाएगा। सो दिस विल कम, तो 1/3 1/4 तो समझ में आया ना आपको, ये आ जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, कैलसी साउंड सुनिए, 1360 प्लस 140 माइनस 20 प्लस 15 प्लस 4, दैट कम्स 499, क्लियर है। और उसके बाद एक कॉस्ट है फिनेंस कॉस्ट, आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा के भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे फिनेंस कॉस्ट 3, अदर एक्सपेंसेस 93.45 है, इसमें बोला है कि अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट में इम्पेयरमेंट को ऐड करना है 5,000, तो जैसा जो बोला है वैसा हम कर देंगे।
ऑपरेटिंग कॉस्ट 93 प्लस 45 प्लस 5 हो जाएगा। 5 क्यों हुआ? क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल को इसमें हमें ऐड करके दिखाना है। तो ये आ गया अपना, ऐड कर लेते हैं 93 प्लस 45 प्लस 5 दैट विल बी 143। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए आपके 499 प्लस 3 प्लस 143 दैट कम्स टू 645। सो 880 माइनस 645 दैट विल बी 235 आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आएगा टैक्स, तो टैक्स कितना है 50 प्लस 32 दैट इज 82। फिर आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो 235 माइनस 82 दैट इज 153। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एट्रीब्यूशन। अब यहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। जो भी ये प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट में कुछ और एडजस्टमेंट होंगे। 300 माइनस 140 माइनस 45 माइनस 3 माइनस 32 दैट कम्स 80 ना। अब इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी माइनस होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, ठीक है, और गुडविल इम्पेयरमेंट भी माइनस होगी। बताते हैं क्यों। यह आएगा 14, फिर आएगा प्रॉफिट टू पेरेंट, सो 153 माइनस 14 दैट इज 139। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो अनरियलाइज प्रॉफिट था उसको हम लोगों ने एनसीआई से डिडक्ट नहीं किया था। ये आपका फेयर क्वेश्चन है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट आया था उसको एलिमिनेट नहीं किया था, उसका जो भी टोटल आया था उसे डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के एनसीआई निकाल दिया था। क्यों क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में पेरेंट ने सब्सिडरी को प्रोडक्ट सेल किया था, यहाँ पे सब्सिडरी ने पेरेंट को गुड सेल किया है। जो गुड सोल्ड हुआ है इट्स गॉन बाय सब्सिडी टू पेरेंट, तो प्रॉफिट किसने बुक किया होगा? प्रॉफिट किसने बुक किया होगा? सब्सिडरी ने। तो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अनरियलाइज प्रॉफिट होगा? तो सिर्फ सब्सिडरी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, मतलब सेपरेट बनेगा, तो उसमें से तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल के ही हमें एनसीआई निकालना पड़ेगा, तो इसलिए एडजस्टमेंट की हुई है माइनस फोर के। अगर पेरेंट टू सब्सिडरी है तो ये नहीं होगा, अगर सब्सिडरी टू पेरेंट है अनरियलाइज प्रॉफिट तो होगा, ये क्लियर है। और जो गुडविल है तो गुडविल इम्पेयर्ड होगा। गुडविल इम्पेयरमेंट में अगर आपको याद हो तो हम लोग एक एंट्री मारते थे कि
रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, एनसीआई अकाउंट डेबिट टू गुडविल इम्पेयरमेंट टू गुडविल। तो यहाँ पे एनसीआई भी आता था ना, ये 75% या 25%। तो 5 का 25% मतलब 1.25, तो एलिमिनेट वहाँ से भी होगा एनसीआई से भी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग गुडविल इम्पेयरमेंट को भी माइनस किए। आप यहाँ पे इसको माइनस 5 ना करके माइनस 1.25 भी कर सकते हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे माइनस 15 ना करके उसका 25% कर सकते हो, और इसका 4 को अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस 25% कर सकते, क्योंकि जो सब्सिडरी है, सब्सिडी तो हमारी है 75%, तो जो 75% है वो तो हमारा है, लेकिन बाकी जो है वो एनसीआई का है। क्लियर है? तो आप बस ये सिंपल सा समझिए कि हमें यहाँ से ये माइनस करना पड़ेगा। दो चीज़ क्लियर हो गया। फिर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू जो हुआ है वो चेंज हुआ है, तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो हम अक्वायर करते हैं एसेट, तो माना जो सब्सिडरी का एसेट अक्वायर करते हैं, तो सब्सिडरी का एसेट जो हमने अक्वायर किया उसकी फेयर वैल्यू में चेंज हुआ, तो उसलिए वो डेप्रिसिएशन एडिशनल जो था वो सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है। ये लाइन से समझ में आ रहा है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ये इस क्वेश्चन में अज्यूम भी कर सकते हो कि अज्यूम किया हुआ है, बट हाँ इस क्वेश्चन में अजम्पशन भी बोल सकते हो लिया गया, लेकिन ये माना जाए कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो हुई वो बेसिकली सब्सिडी की जो एसेट हमने लाई उसको रिवैल्यू किया, तो थोड़ा एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ा, जैसे हमने CBS में भी किया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 15 भी यहाँ पे आया। तो आई होप 4, 15 और 5 का आपको एडजस्टमेंट समझ में आया है। ऐसा हम लोग आगे भी करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो और भी क्लियर होता जाएगा। एक एडजस्टमेंट जो आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती थी वो है अनरियलाइज प्रॉफिट। यहाँ पे सब्सिडरी टू पेरेंट हुआ है इसलिए यहाँ पे आया, अगर ये पेरेंट टू सब्सिडी होता तो नहीं आता। क्लियर? अब इस क्वेश्चन की समरी क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ढेर सारे एडजस्टमेंट देखने को मिले। अच्छा, एक एडजस्टमेंट था जिसका कोई काम ही नहीं था, भाई ये एनसीआई किस पे वैल्यू कर रहे हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वो एक बात थी, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में यूनिक क्या था। पहली बात तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट को हमने एनसीआई एट्रीब्यूशन कैलकुलेशन में भी यूज़ किया, नो डाउट किया हमने यहाँ पे। क्लियर है? ये एक यूनिक था यहाँ पे। गुडविल इम्पेयरमेंट को भी हमने यूज किया एनसीआई कैलकुलेशन में, और गुडविल को उन्होंने बोला था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में डालो इम्पेयरमेंट को, तो हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट में डाला। और एक एडजस्टमेंट की हमने, वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, हमने डाल दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और वो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने एनसीआई के कैलकुलेशन में भी इंक्लूड किया। क्यों किया? क्योंकि वो एसेट सब्सिडरी की है ऐसा हमने अज्यूम किया, या फिर ऐसा ही लिखा हुआ था वो ऐसा ही माना जाएगा। तो ये तीन एडजस्टमेंट थी जो इस क्वेश्चन में यूनिक थी। ऐसे एडजस्टमेंट हमें आगे मिलेंगी क्या? बिल्कुल मिलेंगी, और उसको हम लोग करेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्या था? एनीवन कैन गेस 40 के बाद अगर क्या आएगा? बस 41। बहुत स्मार्ट लोग हैं, गेस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं मतलब करेंगे। टोटल 7 है, तो बताओ कहाँ तक क्वेश्चन होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? आजकल डिमांड पूछना जरूरी है। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, 2005 के लिए फॉर द पी ग्रुप, पेरेंट कंपनी होगी बेसिकली। गिवन बिलो, कुछ डेटा दिए हुए हैं पी और एस के, पी एन एल के,
कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन, प्रॉफिट आफ्टर द ईयर, पी पेड रुपीज 1.5 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2001 फॉर 80% ऑफ एल. ठीक है, फॉर 80% ऑफ एल. बेसिकली यहाँ से ये आपको पता चल गया कि 20% एनसीआई है और आपका एल सब्सिडरी है. गुडविल इंपेयरमेंट एट 1 जैन 2005 अकाउंट अमाउंटेड टू ₹1,52,000 1 जैन 2005 की बात हो रही है. अ फर्दर इम्पेयरमेंट ऑफ ₹40,000 वॉज फाउंड टू बी नेसेसरी एट द ईयर इम्पेयरमेंट आर इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव. यहाँ पे भाई सब हो क्या रहा है? पहली बात तो बोले ऑपरेटिंग कॉस्ट में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जाएगा. क्वेश्चन जो बोले भगवान है, हाथ जोड़ लो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ लो, हाथ बना रहे. आई नो ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं. उसके बाद बोलता है पी पी मेड सेल्स. पी मेड मतलब पी कौन है? पेरेंट. मेड सेल्स टू एल एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹6 लाख ड्यूरिंग द ईयर. नॉट ऑल द गुड्स हैव बीन सोल्ड एक्सटर्नली बाय द ईयर एंड द प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड इन एल क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज रुपीज. यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट दे दिया हुआ है. प्रॉफिट एलिमेंट मतलब जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कितना है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, अच्छी बात है. एडिशनल फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन अमाउंटेड रुपीज, ऑल डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज एज कॉस्ट ऑफ सेल्स. एडिशनल डेप्रिसिएशन इतना है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा. एलपेड एंड इंट्रीम डिविडेंड. अब इंट्रीम डिविडेंड इन्होंने दिया है 2 लाख का, मतलब डिविडेंड दिया है तो उसमें से 80% तो भाई साहब को मिला होगा, तो शायद वही इन्वेस्टमेंट इनकम दिखा रहे होंगे. 80% 2 लाख का रुपीज़ इन थाउजेंड. पी वैल्यू इज़ द एन सी आई, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. पी वैल्यू इज़ द नॉन कंट्रोलिंग फेयर वैल्यू मैथड प्रिपेयर करना है अपने को, कंसोलिडेटेड पी एन एल. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बनाते हैं कंसोलिडेटेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेव्स एसेस प्रोनाउंसिएशन है मेरे को इवर, मतलब लेटेड भी. हैव यू सब्सक्राइब टू द रजवरी के पापा यूट्यूब चैनल? ट्रेंडिंग में चल रहा भाई कि फ्लाइंग बीस्ट या इसका, तो आई होप सभी लोग रेगुलरली देखते होंगे. या मैं भी देखता हूँ. तो हुआ क्या कि जो मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो देर इज़ अ चैनल कॉल्ड फ्लाइंग बीस्ट, और उसके पहले एक चैनल है दैट इज़ मशल टीवी, वहाँ से फ्लाइंग बीस्ट, और अभी एक चैनल बना है दैट इज़ फॉर लाइव स्ट्रीमिंग मे बी गेम और अदर स्टेप्स. और उसमें फ्लाइंग बीस्ट ने दैट इज़ गौरव तनेजा ने बोला था कि हमें 100K चाहिए सब्सक्राइबर. सो जो हम लोग थे, जैसे कि मैं भी उसका अगर सब्सक्राइबर हूँ, तो दैट हैज़ क्रॉस लाइक अबव मोर देन 800K टिल विद इन 24 आवर्स, और 40 मिनट्स में 100K हो गए थे उसके. सो नाउ इट इज़ ट्रेंडिंग ऑल्सो. अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, बट ऐसे ही आ गया तो बता दिया मैं. तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या पहले आता है? इनकम, और इनकम में आता है रिवेन्यू, और रिवेन्यू अपना है 3200-2560-2560, और माइनस हो जाएगा उसमें कॉन्ट्रा पी मेड सेल्स टू एल एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 600 लाख.
फिगर्स आर इन थाउजेंड, और इसका टोटल अपनी कैलसी कैलसी का कोई नाम रख देते हैं अपने, धनु जो बोल रहा है सही नहीं है, क्या नाम रखें? इफ एनीवन हैज अ सजेशन प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि मुझे अपनी कैलसी से बहुत प्यार है। अदर इनकम है क्या? अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनकम जो थी वो ये रही, वो आएगी नहीं क्योंकि 160 माइनस 160 कर देंगे, क्योंकि वो किससे कमाई गई थी? एलपेड एन इंटरिम डिविडेंड 200 × 80%, तो भाई साहब को ही मिला होगा, दैट इज 160, वही उन्होंने अपने बुक्स में दिखाया, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। कंसोलिडेशन में घर घर की इनकम, घर घर की कहानी नहीं होने देते हम लोग, इतना तो अच्छा कर ही सकते हैं। फिर आता है एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गया आपका 2200 और 1480, 2200 प्लस 1480। अब माइनस तो कॉन्ट्रा वाला एंट्री होगा ही होगा। अब इसमें क्या ऐड करने बोला है? एक चीज़ तो हम लोग बिना पूछे ऐड कर देंगे, वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और इसमें वैल्यू निकाल के दिया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, थैंक यू। अच्छा, पेन चेंज करके लिखते हैं, अच्छा लगेगा इनको। लेट्स से थैंक यू हमें बताने के लिए कि आपने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल दिया, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट दे दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो जाता है, ऐड कर दिया हमने। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक चीज़ और ऐड करने बोली है, वो है 10,000 का डेप्रिसिएशन एडिशनल जो चार्ज हुआ, कर दिए। तो अपनी धन्नो 1480 बताएगी, क्या बताएगी कि कितना आएगा इसका टोटल? टोटल फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, पेन चेंज, सब सिंपल, मतलब थोड़ा सा फैंसी एडजस्टमेंट रहता है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला पेन यूज़ करते हैं, वैसे तो चलता है बस। ये वैल्यू मैंने देख ली थी एडमिन एक्सपेंसेस में एक। ओके, एडमिन एक्सपेंसेस ये रहा, उसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन 160 120 में लिख दिया, 400 + 80। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें बॉदर कर रही है, वो है कि ड्यूरिंग द ईयर गुडविल एलिमिनेट होगा 40,000, जिसको हमें एडमिन एक्सपेंसेस में डालना है। पूछेंगे क्या कुछ? ऑपरेटिंग कॉस्ट में बोलो या फिर जहाँ रखो, नहीं बोलो एक्सपेंसेस को हम रख दें। क्वेश्चन क्या है भाई साहब? क्वेश्चन बोल रहा है हम ब्रह्मास्त्र में, हम मान लेंगे, कोई डाउट कर रहा है क्या? पहली फुर्सत में निकलना होगा डाउट वालों को, डाउट मत करो, जो बोल रहा है मान लो। क्वेश्चन है भाई, जैसे कस्टमर भगवान होता है ना एक व्यापारी के लिए, तो वैसे हमारे लिए कौन भगवान है? अपने माई बाप, क्वेश्चन है। तो फिर ये आ गए भाई साहब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फाइव वन सिक्स जीरो माइनस करते हैं, 5160 मिली, सॉरी, माइनस 3920, दैट विल बी 1212, 1214, यस 1240। फिर आ जाते हैं टैक्सेस, जो कि भरने में बहुत लोग को दिक्कत होती है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, 4480 दैट कम्स 180, एग्जेम्पशन तो ले ही लिए होंगे भाई साहब ये लोग, दैट कम्स पैड और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यू कैन से दिस इज 360। अब आता है एक फैंसी चीज जो हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल होगा,
कहानी देखिए, यहाँ 400 दी हुई है सब्सिडरी की प्रॉफिट, तो यहाँ 400 तो ले लिए। अब इसमें एक चीज़ जो एडिशनल माइनस होगी वो होगी गुडविल एलिमिनेशन, गुडविल का जो इम्पेयरमेंट है वो होगा। क्या इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा क्या? ये सवाल है कि ये सवाल है। हमने पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि अगर पेरेंट सेल करता है सब्सिडरी को तो फिर अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं आएगा सब्सिडी में, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं भाई साहब पेरेंट बुक कर रहे हैं। और यहाँ अगर एल सेल करता तो एल प्रॉफिट बुक करता, तो हम अभी जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं एनसीआई के पर्पस के लिए वो सब्सिडी की प्रॉफिट निकाले, और सब्सिडी में प्रॉफिट निकालते वक्त हमें पेरेंट के प्रॉफिट से क्या फ़र्क पड़ता, इसलिए पेरेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें नहीं आएगा। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था, प्रीवियस वीडियो में नहीं भाई साहब, प्रीवियस क्वेश्चन में। ओके, और एक चीज़ जो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो 10,000, ये अज्यूम की गई है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन सब्सिडी का ही है, ऐसा बोल सकते हैं आप। और इसका 20%, सो 400 माइनस 40 माइनस 10 इंटू 20%, दैट कम 70 एंड 2 एनसीआई टू पेरेंट, प्रॉफिट एट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 290। सिंपल सा भाई, 60 गया फिर 300 बचा, उसमें से 10 माइनस कर दे, इतना तो मैथ आता है अपने को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ यूनिकनेस थी, क्वेश्चन समरी की बात करें, समरी ऑफ द क्वेश्चन, इसमें हमें अनरियलाइज प्रॉफिट खुद निकाल के दे दिया था, बहुत अच्छी बात है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट था जिसको हमने सब्सिडी में लाया, और कोई ऐसा खास इसमें था नहीं। बस इसमें जो खास चीज़ थी वो ये थी कि हमने जो अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट पहले किया था इसमें नहीं किया, क्योंकि इसमें पेरेंट ने सेल किया है सब्स को, सब्स को सबवे नहीं भाई साहब। चलिए और क्वेश्चन करेंगे और मज़ा आएगा। 41 के बाद क्या आएगा? एनीवन कैन आंसर, किसी का मैथ स्ट्रांग है तो 41 के बाद क्या आता है? या आई आई कैन सी हैंड्स, बताइए क्या आता है? नहीं पता, 42 आता है। क्या होगा देश का, क्या होगा? मोदी से पूछे क्या? मतलब वोट मोदी जी को दियो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? विपक्ष वाले बोलते रहते हैं, नो कमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। कितना सुंदर क्वेश्चन है, 42, 4 प्लस 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि इवन नंबर है। यस, बोथ आर इवन नंबर, छोटा भी है प्यारा सा भी है। तो देख लेते पहले सवाल का क्या सवाल है, सवालों की आर्टिकल सिर्फ में सवाल ही की तो बात करते हैं हम लोग बस, और उस सवाल में भी क्या सवाल है अगर ये सॉल्व कर लिया जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। बोला कि पीएनएल बनाओ, बना देंगे, कंसोलिडेटेड बनाना, अच्छा ठीक है वो भी बना देंगे। ऑन 30 नवंबर 2008 ई एक्वायर्ड 75%, 25%। यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, कुछ कहावते कुछ शायरियाँ हमने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की हैं। आई होप यू विल लाइक इट, अगर नहीं पसंद है या पसंद है तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बोले इतना देर बाद क्यों बता रहे हो कि यहाँ कुछ आ रहा है आपने लगाया है? हम लोग तो सोच रहे थे कि ऑटोमेटिक फ्लेवर, अरे यार उस मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो? बोला भाई क्या बोल रहे हो। अब द इशूड ऑर्डनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डनरी कैपिटल ऑफ पी, नो डिविडेंड वो पेड बाई अदर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा हाँ, टू मच इन्फॉर्मेशन दे रहा भाई नहीं दिया तो फिर क्यों बता रहे हो? ठीक है,
द इन्वेस्टमेंट इनकम इज फ्रॉम कोटेड इन्वेस्टमेंट एंड हैज़ करेक्टली अकाउंटेड फॉर. ठीक है, अकाउंट की कोई दिक्कत नहीं. रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, गुड्स, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, पुराना डेटा है. ऑन 30 नवंबर 2008 ई एक्वायर्ड 75% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल. ऊपर भी तो लिखे थे, नो डिविडेंड्स वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, द इन्वेस्टमेंट इनकम इज फ्रॉम, ठीक है, द प्रॉफिट फॉर बोथ द कंपनी इज डीम्ड टू बी अक्रू इवेनली फॉर द ईयर. सो एकदम जो इजी वाला क्वेश्चन है वही वाला, तो इसको करते हैं फटाफट कि कैलसी पे करें इसको, मज़ा आएगा. क्या बोलो, कैलसी पे करते हैं. तो चलिए कैलसी उठा लीजिए और ऐड करिए अपना 303600 प्लस 217700 ऐड होगा क्या यहाँ पे. यही तो ट्रिक है, आपको देख के क्वेश्चन लगा रही यार कैलसी पे कर देंगे एकदम फटाफट हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई साहब. क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन रहता तो वो मान भी लेते कि इजी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है. और वो ट्विस्ट क्या है कि जो दो बार लिखा हुआ था इसमें, कि हम लोग बोले दो बार क्यों लिखा हुआ है. ऑन 30 नवंबर 2008 को एक्वायर किया गया. क्या क्या क्या, और ये वो होता है ना क्या क्या क्या, वो वाला साउंड जो इफेक्ट आता है अपने जो सीरियल्स आते हैं उसमें, कभी सास भी बहू थी, वो उस टाइप पे. अरे अपनी स्मृति ईरानी जी जिसमें थी. तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो है टाइमलाइन. ये एक्विजिशन हुआ है, ये 31 मार्च 2009 है, लेकिन एक्विजिशन जो हुआ है वो 30 नवंबर को हुआ है. तो भाई साहब किसी का अगर कैलेंडर स्ट्रांग हो तो बता दे कि नवंबर से मार्च तक कितना टाइम होता है. अगर नवंबर से मार्च पूछा है भाई, कोई मार्च से नवंबर बताया ना फिर तो दिक्कत है. मार्च से अगर एक आदमी काउंट करने लगे मार्च से बता रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे कर तो फिर देश का भला ही हो गया. हमने पूछा है मार्च से नवंबर नहीं पूछा हमने. हमने पूछा है नवंबर से मार्च बताइए. तो क्या होगा, 30 नवंबर, तो कुछ लोग नवंबर काउंट करने वाले थे. प्लीज़ डोंट डू दैट, इंजीरियस इन मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं. दिसंबर, जनवरी, फैब एंड मार्च, 4 मंथ्स. तो इस पूरे सिंपल से भोले भाले दिखते क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि ये जो एक्विजिशन हुआ है वो 4 महीने पहले हुआ है क्लोजिंग डेट से. तो उस 4 महीने की ही डेटा को हम लोग कंसोलिडेट करेंगे, 4 मंथ. अभी 217,700 दिया होगा भाई साहब, कमाया होगा आपने, लेकिन हमारे पास जब आया तो उसके बाद कितना कमाया, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 217,700 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12. क्लियर है? चलिए करते हैं, कैलसी पे ही करें. क्या बोल रहे, चलिए. तो 217,700 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 7256, उसमें ऐड कर देते हैं 303,600, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 376,167. फिर इसमें अदर इनकम भी है, तो अदर इनकम कोटेड इन्वेस्टमेंट से है, ना कि जो सब्सिडी में दिया हुआ है. तो इसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आई है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये इनकम है आपका 2,800 प्लस 1,200 में कितना लेंगे, 1,200 का 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2,800, सो दैट कम्स 32. अब कोई बोलेगा
इन्वेस्टमेंट उन्होंने मान लो नवंबर में की होगी, अरे मान लो दिसंबर में की और जनवरी में पैसा कमाया होगा, तो भाई साहब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग मानेंगे 1200 थ्रू आउट द ईयर कमाया हुआ है। मतलब लॉजिक देखो सही है तुम्हारा कि अगर इन्वेस्टमेंट उन्होंने फैब मार्च में की और वहीं पे पैसा कमाया हो या फिर उस समय इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाई हो तो बात बोल रहे हो, लेकिन हम हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो हम मानेंगे कि दिस इनकम इज़ फॉर थ्रू आउट द ईयर। ओके आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आफ्टर 1/4 इसका 4/12 करने के बाद आएगा टोटल 3200। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो 102200 आप इनकम को प्लस में डाल सकते हो, 376 प्लस कैलसी पे कर रहे हैं अपने, 67 प्लस 3200 अपना इनकम आया 379367। इसको एम प्लस मार लो, मेमोरी प्लस में रहेगा आपके दिमाग की मेमोरी में हमेशा के लिए, स्थापित हो गया है 102200। इसका 4/12 करेंगे मतलब 1/3/3, 143 143 800 से ऐड कर देंगे, सो दिस विल कम 1/7/7/8/6/7। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, तो 5/1/300/3 प्लस 7/1/200, सो दैट कम्स 88,300। और इसका टोटल क्या हो गया, 177,867, सही आ गया 266,167। और आपके मेमोरी प्लस में डेटा दिया हुआ है तो मेमोरी रिकॉल करिए और इक्वल टू माइनस करके मेमोरी रिकॉल करिए और इक्वल टू मारिए, तो आपका आ जाएगा पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज़ 113,200। इसमें टैक्स जो है वो ये रहा आपका, मतलब इसका भी 4/12 करेंगे तो मतलब 4 महीने का टैक्स, दैट कम्स 57,067। फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 56,133। माइनस करने से आएगा 113,200 से, तो यह आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट एट्रीब्यूशन कर लेंगे अपने, प्रॉफिट एट्रीब्यूशन टू एनसीआई, 32,800 का प्रॉफिट है, कोई एडजस्टमेंट बोल के है नहीं, बस 4/12 × 25% लगाइए लगाइए, 32,800/3 कर लीजिए और 25%, सो दैट कम्स 2,733। माइनस कर लीजिए 56,133, दैट इज 5,399, तो 53,400 बोल सकते हैं, वो पेरेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में सिर्फ ऐड और लेस करना था, बट इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो डेट थी 30 नवंबर की, और इस क्वेश्चन में यूनिकनेस बोल के कुछ था नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा यूनिकनेस था। इसमें बहुत सारे आपके ये हो सकते हैं कि भाई हम थ्रू आउट द ईयर हर चीज़ को क्यों मान के गए हैं, टैक्स को इवन और इवन आपके इन्वेस्टमेंट इनकम को। सो ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम में हुआ, तो हम मान लेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे कि ये थ्रू आउट द ईयर हुआ, ये आप एजम्पशन लिख भी सकते हैं, ऑल दो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर
43, पी बॉट 70% ऑफ एस ऑन 1 जुलाई, ओके 30% एनसीआई। उसके पहले हम लोग क्या कर देखते हैं कि हमें क्या करना है, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है। रिवेन्यू हो गया, डेटा सारे आपके पहले देखे हुए हैं, वही सेम डेटा। एडजस्टमेंट क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ऑन 1 जुलाई 2006 एन आइटम ऑफ प्लानिंग इन द बुक्स ऑफ एस हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज, ये पी है और ये एस है, फेयर वैल्यू ऑफ 5000 इन एक्सेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट द टाइम द प्लांट हैड रिमेनिंग, प्लांट है। एन आइटम ऑफ प्लांट इन द बुक्स ऑफ एस हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 5000 इन एक्सेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट, उसे कैरिंग अमाउंट से 5000 उसमें ज़्यादा था, तो एट दिस टाइम प्लांट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ रुपीज ऑफ 10 ईयर्स। सो बेसिकली इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़े, और इसमें जो जो लाइन मिसिंग है दैट इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है भाई, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग उसको हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे एकदम अच्छे से। ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एज सोल्ड गुड्स टू पी, ठीक है, फॉर रुपीज 4400 ऑफ दिस अमाउंट 500 वॉज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, उसमें से जो 500 है वो अभी भी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट एस एन 35% मार्जिन ऑन इट सेल्स, ठीक है। सो ये बेसिकली कॉन्ट्रा और अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो कि हमने। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझनी होगी कि इसमें सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें आपका जो एनसीआई का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं एट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू एनसीआई, तो उसमें यह आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। गुडविल अमाउंटिंग टू रुपीज 8000 रोज ऑन द एक्विजिशन ऑफ एस विच हैड बीन मेजर्ड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड, गुडविल इज टू बी इम्पेयर्ड बाई 10% एट द ईयर एंड, कोई दिक्कत नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी ऑपरेटिंग कॉस्ट में चार्ज होगा। तो ऐसा कहानी हम लोग पहले भी सुने हुए, बस यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है कि इतना चार्ज करना है एज पर डिविडेंड ऑफ रुपीज 500 ऑन 1 जनवरी 2007, और डिविडेंड पेमेंट हुआ है तो डिविडेंड इनकम भी होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम में से उसको एक्सक्लूड कर दें, और 500 का मान लो 70% निकालेंगे तो 350 आएगा, और ये 800 है तो 800 का 10% इम्पेयर होगा तो 80 आएगा, तो इम्पेयरमेंट की वैल्यू आ गई और ये डिविडेंड इनकम। तो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, हो जाएगा। सो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलिए थोड़ी सी लाइन टान लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उस अकाउंट को बनाने से पहले एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, पी बॉट 70% तो है लेकिन वो कब बॉट किया, 1 जुलाई 2006 को, और हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी 31 मार्च 2007 को, तो उसके हिसाब से हमें 9 मंथ का डेटा यहाँ से कैलकुलेट लेना है बस। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 4 मंथ का लिया था, इसमें भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। इनकम हो गया, ये इनकम में रेवेन्यू
रिवेन्यू में 31,200, 31,200 प्लस 10,400 का 9/12 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4,400 का जो सेल किया हुआ है कॉन्ट्रा आइटम। सो इसमें 10,400 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 31,200 माइनस 4,400 दैट कम्स 34,600। फिर अदर इनकम की बात करें, ये इस क्वेश्चन का यूनिकनेस है अदर इनकम। जैसे प्रीवियसली हमने देखा होगा अदर इनकम में जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है वो हम पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 350 करना होगा जो कि सब्सिडरी का था। तो 2000 माइनस कर दीजिए 500, दैट इज 350, दैट कम्स 1650। इसका टोटल मान लीजिए प्लस कर लेते हैं 1650, दैट कम्स 36,250। फिर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 17,800, 5,600 एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स 17,800 प्लस 56 का 9/12। अब इसमें क्या क्या ऐड होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन ऐड करने बोला, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? डेप्रिसिएशन आपका 5,000 का टेन ईयर्स के हिसाब से वन का निकालेंगे तो फिर इसको 9/12 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9/12 दैट इज 375। इसमें कॉस्ट कॉन्ट्रा आइटम तो माइनस हो गई 4,400 वाला, और इसमें एक चीज़ एडजस्टमेंट है वो है जो अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग निकालते, तो 500 का 35% जो भी आए, तो इसका यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं 17,800 प्लस 400, और इसमें ऐड होगा आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है, ये ऐड होगा 175 अनरियलाइज प्रॉफिट और माइनस होगा आपका कॉन्ट्रा आइटम। तो 17,800 प्लस 4,200 प्लस 375 प्लस 175 4,400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18,150। फिर आता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 8,500 का, और ये 32,000 इसको हम लोग 9/12 करेंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने बोला है कि गुडविल इम्पेयरमेंट को चार्ज करो 800 का 10%। सो 8,500 प्लस 3,200 का 9/12 प्लस 800 का 10%, सो दैट इज 80, और ये हो जाएगा 2,400। सो 8,500 प्लस यहाँ पे लिख भी देते हैं 8,500 प्लस 24 प्लस 80 प्लस 80 दैट कम्स 10,980, और इसको हम लोग ऐड करेंगे 18,150 से, सो दैट विल कम 29,130। और 29,130 को 3,625 से माइनस करिए फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 7,120। फिर इसमें से टैक्सेस माइनस करेंगे, अब टैक्स कितना है 2,100 और 500, सो 2,100 प्लस 500 इंटू 9/12
तो ये हो जाएगा 9500 × 9/12 प्लस 2475, माइनस करते हैं 7120 से, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 4645। और इसमें अब क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एट्रीब्यूशन टू एनसीआई, एनसीआई का प्रॉफिट कितना था, 1100। ठीक है, तो 1100 का 9/12 कर लीजिए, 1100 × 9/12 दैट कम्स 825। अब इसमें माइनस क्या क्या होगा, तो पहला चीज़ तो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, और गुडविल इम्पेयरमेंट होगा। तो कितना आ गया, 825 − 375 − 175 − 80, सो दिस विल 195 × 30% 58.5 एट्रीब्यूट हो जाएगा, और टू एनसीआई टू पेरेंट कितना आ जाएगा, 58.5 माइनस कर दीजिए आप 4645 से जो हमारा ऊपर आया था, तो ये आ गया आपका 4586.5। बस ये क्वेश्चन हो गया, फटाफट इसको हमने कर लिया। इसमें जो सेम चीज़ थी वो रिपीट हो रही थी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको स्पीड से कर लिया। आई होप यू डोंट माइंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या है आइए जानते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इस क्वेश्चन में क्या सवाल है वो देखते हैं। आपको अरे यार कितना एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अच्छे है इसमें, और ये ही सबसे दमदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई खोज रहा है कि भाई इम्पोर्टेंट वाला कौन सा क्वेश्चन है, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल। अब इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाना है और पीएनएल भी बनाना, तो बेसिकली आप बोल सकते हो सीएफएस, मोटा मोटी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है आपको, और ये डेट है। तो चलिए देखते हैं, आपको पता चल गया कि क्या बनाना है, अब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पी एक्वायर्ड 70% ऑफ एस 3 ईयर्स अगो। 3 साल पहले की बात है कि जब पी ने एस को अपने साथ मिलाया था। व्हेन एस रिटेन्ड अर्निंग वर 4,30,000। वो फील आ रही है क्या, अरे बैलेंस शीट बनाते वक्त हमें डेटा लगता था ना, रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस लाओ, रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस लाओ, किसी में क्लोजिंग दिया रहता था, किसी में ओपनिंग, किसी में चेंजेस दिया रहता था। अरे हम लोग बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट। हाँ भैया हाँ, वो वाला क्या, हाँ धीरे धीरे याद आ रहा होगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग। ओके ओके, फिर ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक साथ दिया, और रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो अभी अभी हम लोग देख के आए, एकदम ताज़ा ताज़ा लग रहा है, ये सब देखा हुआ है। वो थोड़ा सा आपको डे बिफोर एस्टरडे या फिर एस्टरडे का लग सकता है। और यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, एस हैड अ प्लांट इन इट्स बैलेंस शीट। ठीक है, अब एस कौन है भाई, सब्सिडरी,
ओके एट द डेट ऑफ एक्विजिशन विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख बट एट अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1,20,000 प्लांट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स एट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. बोल रहा है कि एस जो सब्सिडी उसके यहाँ पे एक प्लांट है बैलेंस शीट में एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जिसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 1,20,000 है और उसकी रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स है, तो हमें उस पर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा और वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा. ये पीएनएल के लिए बोला है, बैलेंस शीट के लिए नहीं. ठीक है, ओके. द पी ग्रुप वैल्यूज एनसीआई एट फेयर वैल्यू. ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज दे दिया है भाई साहब, बहुत बहुत थैंक यू. यहाँ पे अपने क्या लिखते हैं, सब दे देता है तो थैंक यू ये डेटा देने के लिए. ओके, गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाई अ टोटल ऑफ 30%. अब ये 30% का क्या मतलब है टोटल का, जब हम गुडविल कैलकुलेशन करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसको 30% से क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट ऑफ इट्स वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट ऑफ विच थर्ड रिलेटेड टू द करेंट ईयर ऑफ विच 1/3 इज रिलेटेड टू द करेंट ईयर. ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पी ट्रांसफर्ड अ मशीन टू एस फॉर ₹15,000. द एसेट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 3 ईयर्स एट द डेट ऑफ ट्रांसफर और कैरिंग वैल्यू जो थी, कैरिंग अमाउंट वो है थी 12,000. तो इसमें कि अनरियलाइज प्रॉफिट है ऑन प्लांट. और अगर आपको याद हो इसकी एडजस्टमेंट हम लोग स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट में नहीं करते, इसकी एडजस्टमेंट डायरेक्ट हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस जो कंसोलिडेटेड बनाते थे या पैरेंट का जो रिजर्व एंड सरप्लस बनाते थे उससे डायरेक्ट एडजस्टमेंट करते थे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन एसेट्स प्लांट्स पे. यहाँ प्लांट की बात है. ड्यूरिंग द ईयर एस होल्ड गुड्स सम गुड्स. ठीक है, फॉर जो एस है सब्सिडरी है वो पैरेंट को गुड्स बेचती है 60,000 को जिसका मार्कअप लगता है 20%. 40% ऑफ द गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट होगा जो 60 का 40% बचा होगा. एट द ईयर एंड एज बुक शोड रिसीवेबल, अब एस का जो बुक्स है वो उस रिसीवेबल शो करता है, कॉन्ट्रा आ गया. बैलेंस ऑफ 6,000 एज बींग ड्यू फ्रॉम पी, दिस डिसअग्रीड विद द पेएबल बैलेंस ऑफ रुपीज 1,000 इन बुक्स ऑफ पी ड्यू टू पी हैविंग सेंट चेक टू एस शॉर्टली बिफोर द एंड. ओके, तो भाई साहब जो पी के बुक्स में रिसीवेबल दिख रहे हैं 6,000 के, ओके सॉरी, एस के बुक्स में दिख रहे हैं रिसीवेबल 6,000 के और पी के बुक्स में पेएबल दिख रहे हैं 1,000 के, जबकि दिखना चाहिए 6,000, मतलब 5,000 क्या है, चेक इशूड बट नॉट रिसीव्ड्स. तो हमें कैश इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला हमने किया है पहले भी CVS बनाते वक्त, इसको इस एडजस्टमेंट को हमने आराम से हैंडल किया है, तो इस बार भी कर लेंगे. तो सारा एडजस्टमेंट पुराना ही है. अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है ना, सारे को मर्ज करके एकदम कंसोलिडेट करके दे दिया है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं. बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी दिया और कंसोलिडेटेड पीएनएल भी दिया हुआ है. चलिए शुरू करते हैं, और पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा करें तो आपको बता दें कि जब भी हम लोग CVS बनाते थे तो पहले क्या बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट, फिर करते थे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट, फिर करते थे NCI को कैलकुलेट, फिर बनाते थे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, और कोई फिर एडजस्टमेंट इधर उधर रहता था तो उसको भी हम लोग कर लेते थे. तो पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, दैट शुड बी स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स.
तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग और शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, चेंजेस और डेट ऑफ कंसोलिडेशन। चलिए, और इसमें एक पॉइंट जो मिसिंग है, इसमें एक और पॉइंट है जो है पॉइंट नंबर 5, कि एज पेड डिविडेंड ऑफ ₹20,000 ऑन 1 मार्च 2007। इसमें डिविडेंड का भी पॉइंट है, 20,000 डिविडेंड का भी, जो कि इसमें नहीं आया था प्रिंट में, जो मैंने अभी देखा कि है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आता है शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, तो उसका डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब ओपनिंग में, शेयर कैपिटल है आपका, सब्सिडरी की बात करेंगे 150, और रिटेन्ड अर्निंग क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 430। कंसोलिडेटेड मतलब क्लोजिंग में देखते हैं कितना है रिटेन्ड अर्निंग, 700, तो 270 हो गई चेंजेस। यहाँ पे 150, ये 7, ये 270 हो गया चेंज, तो ये हो गया 580, ये हो गई 270, ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम उसमें अनइवन आइटम ऐड कर देते हैं डिविडेंड पेड को। अब इसका एडजस्टमेंट यहाँ होता है, डिविडेंड पेड जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक बार ऐड करते हैं, फिर एनसीआई और रिजर्व एंड सरप्लस से उसको माइनस कर देते हैं, तो इफेक्ट ज़ीरो आता है। ठीक है, फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पजेस। सो डिविडेंड पेड हुआ है 20, उसको ऐड कर देंगे, 1 मार्च को हुआ है तो चेंजेस का जो डेट है उसमें आएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन आपका 3 ईयर्स अगो है, 1 मार्च 2007 को दिया हुआ है। सो ये हो गया 20। और रीवैल्यूएशन है क्या, 1 लाख का वैल्यू था वो 1,20,000, तो फेयर वैल्यू को रीवैल्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही था, 1,61,000 था, 1,20,000 पे उन्होंने रीवैल्यू किया था, और इसकी वजह से आएगा डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का डेटा दिया हुआ है, 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ है, 3 साल पुरानी बात है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया आपका 6, जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है। फिर आ जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, प्लांट का नहीं आता यहाँ पे, हम लोग प्लांट का डेटा लेते हैं सीधा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से, वहाँ माइनस करते हैं, माइनस ज़रूर करेंगे। 60% है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ 60 का मतलब 60,000 है, उसका सिर्फ और सिर्फ 40% इन स्टॉक है, और ये मार्कअप है इसका वो 20% का, यस। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कैलसी 60 × 40% × 20 / 120, दिस कम्स टू 4, इसको ऐड करेंगे 580 + 20 दैट विल बी 600, 270 + 290 + 10 -10, 290 - 10 = 280 आ गया। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट माइनस होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक माइनस होगा, होता ही है, पेरेंट हो गया और एनसीआई में ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस। तो 280 का 70%
क्योंकि 70% इन्वेस्टमेंट है और ये 84। फिर वर्किंग नोट नंबर टू बनाते हैं अपने। वर्किंग नोट नंबर टू दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले आता है इसमें इन्वेस्टमेंट, फिर एनसीआई माइनस कर देते हैं आइडेंटिफिएबल नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट पे जो है, जो कि यहाँ पे अभी हम लोग निकाले हैं, तो 600 इसको लिख देते हैं। एनसीआई की फेयर वैल्यू दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर पी वैल्यू या 250, और इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है 700। सो इन्वेस्टमेंट इज 700 और एनसीआई है 250, तो हमारा गुडविल आ जाएगा ऑन एक्विजिशन डेट। सो दैट कम 700 प्लस 250 माइनस 600 दैट इज 350। अब इस गुडविल में एक एडजस्टमेंट है। गुडविल एडजस्टमेंट क्या है कि 30% ऑफ द टोटल विल बी इम्पेयर्ड। अब इस 30% का करते हैं इम्पेयरमेंट। सो 350 इंटू 30% दैट इज व्हाट 105 माइनस 350 दैट कम्स टू 245। सो दिस इज गुडविल ऑन कंसोलिडेशन डेट। फिर बनाते हैं एक और वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर थ्री दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सो फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज 250 प्लस कर देते हैं इसमें पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 84, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो अभी अपने डिविडेंड जो पे किए उसको, डिविडेंड पेड कितना हुआ है 20 का, जिसमें से एनसीआई से एडजस्ट होगा 30% दैट इज 6, और वैसे ही गुडविल इम्पेयरमेंट वन जीरो फाइव का हुआ और 30%। ये सब हम लोग बहुत बार किए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो 250 प्लस 84 माइनस 31.5 माइनस 6, सो दिस कम्स 296.5। फिर करेंगे वर्किंग नोट नंबर फोर की तैयारी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। सो रिटेन्ड अर्निंग आएगा इसमें पेरेंट का, फिर पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस माइनस करेंगे गुडविल इम्पेयरमेंट को और माइनस करेंगे डिविडेंड पेड को, सेवेंटी परसेंट जो भी इम्पेयर्ड हुआ है, जैसे कि 105 इंटू 70% दैट कम्स टू 73.5। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 20, उसका 70% दैट कम्स टू 14। क्लियर है? अब ये वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, ऊपर जाके लेना पड़ेगा, ठीक है ले लेते हैं एक बार। ये 196 है पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस, और रिटेन्ड अर्निंग हमारा है 350 का, अरे सॉरी 1350 का,
सो 1350 और 196। अब इसमें एक चीज़ और जो हमने बोली थी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन प्लांट, वो यहाँ से माइनस होगा। तो उसके लिए हम लोग एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन प्लांट। सो इसको निकालने का तरीका आपको याद ही होगा, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट इफ नो ट्रांसफर टेकन प्लेस, तो उसकी वैल्यू क्या थी, और जब ट्रांसफर हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होती। 15,000 मतलब उसकी कैरिंग हम वैल्यू थी 12,000 और बेचा उन्होंने 15,000 पे, और ये 3 ईयर्स इट हैड अ रिमेनिंग, मतलब 3 साल की उसकी लाइफ बाकी थी, तो हमें काम हो जाएगा उतना में। ये 12,000 है, अगर नहीं, इफ़ नो ट्रांसफ़र टेक इन प्लेस, तो ये डेप्रिशिएट हो जाता। इसको मेरे को इस साइड लिखना चाहिए था, बट ठीक है, अपने मैथ तो नहीं कर रहा। सो ये आ जाएगा 4, माइनस हो जाएगा 12,000 माइनस 4,000। अगर ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट इफ़ ट्रांसफ़र टेक इन प्लेस, तो वो ट्रांसफ़र 15,000 पे हुआ ना, सो डिवाइडेड बाय 3 × 1 माइनस 15,000 करते हैं, सो 5 हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 10। सो एक्चुअल वैल्यू इसकी होती 8,000, लेकिन आज है 2,000, अरे 2,000 ज़्यादा, सो दैट 2,000 इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसको आप ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे, बट इट डजेंट मेक सेंस, आपको बस ये डिफरेंस देखना है, इसमें प्लस माइनस का नहीं। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया 2,000, तो फिर इसको माइनस करेंगे 1350 प्लस 196 माइनस 73.5 माइनस 14 माइनस, दैट कम्स टू 1456.5। इसमें थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और एक चीज़ ऐड करेंगे अपने, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का एक साथ कंसोलिडेट करके लिख लेते हैं, बार बार आपको अलग बाइफर्केट करके नहीं दिखाना पड़ेगा, दैट इज 50। वन फाइव जीरो सिक्स पॉइंट फाइव। सो इस रेट का हिसाब से अपने को बन जाएगा क्या, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें आएगा नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर आएगी गुडविल, फिर आएगा करेंट एसेट, तो पहले निकालते हैं प्रॉपर्टी प्लान। अब इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट। एक चीज़ तो ऐड होगी आगे, जो कि हमने अभी रिवैल्यूएशन किया 20 का, और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन प्लांट है वो माइनस तो हो गई होगा, ठीक है, और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने वो तो हो गई होगा। अब ये कहाँ कहाँ पे है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला 2, ठीक है, और 6 का एडिशनल डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया वो, और आपका ये 20,000 का जो रिवैल्यूएशन है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो 900 प्लस 400
+20 -2 -6, सो 900 +400, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 900 +400 -2 -6, दिस कम्स टू 1312। अब करते हैं गुडविल, गुडविल हमारा कितना था निकाला हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 2 आप दे सकते हैं, 245, 350 से इंपेयर करके 245। सो वर्किंग नोट नंबर 2 के हिसाब से 245। इसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर बात आती है करंट एसेट की, करंट एसेट में एक एडजस्टमेंट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो 6000 और 1000 5000 वाला है, तो उसको भी हम लोग डील करेंगे यहाँ पे। करंट एसेट आपका 3 और 6 है, सो 300 +600, बहुत लंबा हो गया ना ये, 300 +600, इसमें रिसीवेबल होगा, तो रिसीवेबल का कॉन्ट्रा होगा, माइनस कर देंगे रिसीवेबल कॉन्ट्रा पेएबल, और वो इसमें कैश इन ट्रांजिट भी होगा, जो 1000 पेएबल दिखा रहा है, मतलब 5000 का चेक इशू हो गया और रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसमें से 4 माइनस हो जाएगा, जो कि अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जो भी हमने निकाला था स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट में, -6 +5 -4, सो दिस विल कम 895। इसका भी आप वर्किंग नोट बनाएंगे, सो 1312 +245 +895, सो दिस विल कम 2452। अब ये कहाँ है 4, कुछ लोग पूछेंगे, और 6 और 5 का भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। और ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ऑल दो पहले भी किया हुआ है लेकिन एक बार करना ज़रूरी है स्पेशल। 6000 रिसीवेबल है तो पेबल कितना होना चाहिए, 6000, और ये आपका करंट लाइबिलिटीज से माइनस हो जाएगा, और ये करंट एसेट से माइनस हो जाएगा, या फिर रिसीवेबल पेबल से माइनस हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो पेरेंट और सब्सिडरी है, ये लॉजिक है प्लेन अगर ये रहता तो। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है कि इसमें पेबल सिर्फ 1000 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब ये कि 5000 का चेक इन्होंने इशू कर दिया है बट नॉट येट रिसीव्ड, तो ये क्या हो गया, ये कैश इन ट्रांजिट है। अब कैश इन ट्रांजिट करंट एसेट का पार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5000 ऐड करेंगे, और ये माइनस तो करना ही था तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 और 6 का कॉन्सेप्ट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं शेयर कैपिटल पे, शेयर कैपिटल तो प्लेन दिया हुआ है 200 का, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल आपका 200 हो गया, और कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस आपको याद हो तो वर्किंग नोट नंबर 4 के हिसाब से हम लोग निकाले थे 1506.5, एनसीआई हम लोग निकाले थे वर्किंग नोट नंबर 3 के हिसाब से, सो 296.5 था वो। अब बचा नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आपका 100 +90 तो 190 ये हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेंट लाइबिलिटीज़ में 200 +60 260 हो जाएगा, लेकिन हमें
एक जो कॉन्ट्रा एंट्री वो -6 +6 करनी थी, लेकिन इसमें हम -1 ही करेंगे क्योंकि पी के बुक्स में सिर्फ 1 दिखा रहा है और पी ने 5000 पे कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो एडजस्टमेंट हमने रिसिवेबल में डाल दिया, इसको ऐड कर दिया वहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 -5। ओके, तो चलिए चलिए चलिए, ये आपका वर्किंग नोट इसका भी बनेगा। अरे, नोट्स टू अकाउंट्स 190 और ये 259, बेसिकली 260 -1, ये 100 +90। इसका टोटल करते हैं तो आएगा 200 + 1506.5, 296.5, 190 + 259, सो ये मैच कर गया 2452। अब जो हमें काम करना है वो है कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है, और हम ये सोच रहे हैं कि इतना ऊपर नीचे करने से अच्छा कि हम लोग बगल में बनाएं यहीं पे। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ एडजस्ट, 1 मिनट। तो ये वाला ले लेते हैं पेन, बनाएंगे हम लोग कंसोलिडेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें पहला आएगा रिवेन्यू इनकम में, सो रिवेन्यू 1260, तो 1000 + 260, और इसमें जो 60 का जो सेल था वो कॉन्ट्रा में चला जाएगा, सेल और परचेस कॉस्ट ऑफ सेल से भी माइनस होगा। अभी अभी हम लोग कर क्या है, जो पेरेंट और सब्सिडरी सेल करते हैं दैट इज़ नॉट अ सेल। ओके, अदर इनकम, ट्वेंटी की है, अब इस अदर इनकम में डिविडेंड पेड हुआ है, डिविडेंड पेड हुआ है 20 का 70%, तो 14 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया अदर इनकम। ओके, तो इसका टोटल क्या हो गया, इनकम का 1000 + 260 - 60, कोर्स दैट कम्स टू 1200, और ये हो गया 6, 1206। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंसेस में, जो कि है 750 और 80। अब इसमें आपका माइनस हो जाएगा 60 जो कॉन्ट्रा आइटम है परचेस सेल। अब इसमें ऐड हो जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, प्लस इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो लिखा था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा, 1 लाख से, जो 1,20,000 हुआ था तो उसमें लिखा था कि 20,000, मतलब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो 20,000 पे वो होगा चार्ज कॉस्ट टू सेल्स में। उसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल, तो 20,000 / 10 दैट विल कम्स टू 2, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 750 प्लस, मैं दिखा दूंगा अभी कि वो डिटेल कहाँ दी हुई, अगर इफ़ यू कैन नॉट रिमेम्बर राइट नाउ इट्स पॉसिबल। दिस विल कम 778, मैं वो डिटेल दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार।
ये है कि जो कैरिंग अमाउंट 1,20,000, मतलब कैरिंग अमाउंट जिसका 1 लाख था, अभी फेयर वैल्यू 1,20,000 है, उसके पास 10 ईयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, तो इसलिए हम लोग पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले रहे हैं उसको। क्लियर है? ओके, तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर आता फाइनेंस चार्ज, ये है 25 प्लस 15, ये फिगर दिख नहीं रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है, बट क्या करें, स्क्रीन छोटी है। ऑल दो वी कैन डू दिस, थोड़ा सा विजिबिलिटी का दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा। फिर अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस आर ये है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60 प्लस 35, और इसमें एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि जो हमारा गुडविल इम्पेयरमेंट था, उसमें एक बात लिखी हुई थी, गुडविल हैज़ बिन इम्पेयर्ड बाय अ टोटल 30%, जिसको हमने इम्पेयर कर दिया था, 350 से 245 आ गया था, तो उसमें 105 का इम्पेयरमेंट था, ऑफ विच 1/3 रिलेटेड टू द करेंट ईयर। सो 1/3 जो रिलेटेड है उस साल का है, तो इसलिए इसको हम लोग अदर एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं। ठीक है, बस हो गया ख़त्म। अब बस ख़त्म हो गया है, टच पैड लैपटॉप खरीदना होगा। ओके, एक्सपेंसेस के टोटल हो गए 778 प्लस 40 प्लस 130, एंड इट कम्स टू 948। सो आवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम्स टू 1206। टू फाइव एट माइनस कर देंगे टैक्सेस, दैट इज 130। सो दिस कम्स टू 128। फिर करेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूशन टू एनसीआई, इसमें इसका प्रॉफिट है 100, सो 100 में से क्या क्या एडिशनल माइनस होगा, 2, 4, सो -2 -4 अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो माइनस हो जाएंगे, गुडविल इम्पेयरमेंट हुई है वो माइनस हो जाएगा, सो दिस विल कम 59, और 59 का हम लोग निकालेंगे 30% इनटू 30%, दैट इज
17.7 और पेरेंट्स को जाएगा 11030। क्लियर है? सो ये रहा कैलकुलेशन पूरा। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। ये सारा चीज़ बोलना पड़ता है, अदरवाइज लोग भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। समरी जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे इस क्वेश्चन में समरी बनाते हैं। इसका समरी भी बड़ा होगा बट थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, ये हम लोग हमेशा करते हैं। इसमें क्या क्या यूनिक पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई वीडियो छोड़ के जाना चाहता है दे कैन लीव फ्रॉम राइट नाउ, मतलब आप यहाँ से जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो अभी जो CPL हम लोग कर रहे थे फ्लो में, उसकी जैसा ही एक एडजस्टमेंट था जिसमें डेप्रिसिएशन एडिशनल 20,000 पे हमने चार्ज कर दिया 2,000 का, जो कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट कर लिया। ये CBS के साथ करने में थोड़ा अजीब लग रहा था, ठीक है, क्योंकि CBS में हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन -6 किया था। एक डाउट हो सकता है कि वहाँ पे -6 किया था, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें वहाँ पे माइनस किया था, लेकिन जो CPL बनता है वो हमने करंट ईयर का बनाया, तो करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन है उसको हमने करंट ईयर में वहाँ पे 2 माइनस किया। ठीक है, ये एक बड़ा ही यूनिक पॉइंट है और समझना होगा, वहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6 मत लगा देना। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट तो यहाँ पे था ही, यहाँ पे जो अनरियलाइज प्रॉफिट था इस पे, ये पहले भी यूनिक पॉइंट रहा हुआ है हमारा। जब CVS करते हैं प्लांट का हम लोग डायरेक्टली कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में लेते हैं, और स्टॉक का हम लोग स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट से लेते हैं। ठीक है, और गुडविल का बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था यहाँ पे। अगर जो कंसोलिडेटेड पॉइंट था गुडविल को हमें 30% एलिमिनेट करना था, इम्पेयर करना था, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ 1/3 करंट ईयर का था जो कि PNL में गया। वाह, मतलब जबरदस्त, मतलब स्वाद आ जाएगा वैसा वाला। बहुत अच्छा पॉइंट था इसका, ये आया था 105 और इसका हमने 35 वहाँ से निकाला था। और नॉर्मल जैसे कि अपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। डिविडेंड अगर आप बहुत लोग भूल गए होंगे तो डिविडेंड को प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम लोग एक बार ऐड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट में, फिर उसको माइनस कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग और NCI के टोटल में से। सो द अल्टीमेट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, तो अगर किसी का डाउट हो तो और डिविडेंड का पॉइंट था इसमें, और इसमें हमने बात कर ली गुडविल की, बस और कुछ तो खास था नहीं इस क्वेश्चन में। बट ये क्वेश्चन बड़ा था, लेंदी था, इसलिए हमने थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश की, क्योंकि रिपीट ही था, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। लेकिन जब CVS के साथ आप CPL करते हो ना तो अजीब लगता है। जैसे हमने बोला कि अगर आप एक बार देखो यहाँ पे, अभी हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनाई उसमें हमने क्या किया, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये तो CPL में भी गया ही था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 गया ना, समझ रहे हो? ये अनरियलाइज प्रॉफिट हमने यहाँ पे PPE से माइनस किया, लेकिन यहाँ पे बोला कि जो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाओ, तो वहाँ पे भी ले गए। एडिशनल डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाओ सॉरी, तो उसको हम वहाँ पे ले गए और इसको भी वहाँ पे ले गए। तो ये थोड़ा सा चक्कर देने लायक, और ये 6 का 6 नहीं गया, ये सिर्फ और सिर्फ 2 गया, ये इम्पोर्टेंट था। मज़ा आ जाएगा मतलब करके, वैसा वाला था। करंट एसेट, करंट एसेट में जो हमारा स्टॉक था, स्टॉक का ये वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग ही, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं कि
एक के बुक्स में रिसीवेबल कुछ और दिखा रहा है, एक के बुक्स में पेएबल कुछ और दिखा रहा है, तो उसके इसमें क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे 6,000 दिखा रहा है, तो रिसीवेबल से तो माइनस रिसीवेबल कर दिए, दिखा रहा है बुक्स में मतलब वो गलत दिखा रहा है, उसको हटा दो। उसके पेएबल के बुक्स में 1,000 दिखा रहा है तो उसको वहाँ से माइनस कर दो। लेकिन जो 5,000 का डिफरेंस है ना, उसको भी तो हमें एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो वो पैसा चल रहा है अभी रास्ते में, उसको बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। वो 5,000 यहाँ पे हमने ला दिया, ठीक है, यहाँ से 1 माइनस किया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, और ये तो वर्किंग नोट के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। तो आई होप ये पूरी CPL की 7 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और ये क्वेश्चंस तो बहुत लोग को पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन अगर आप एक बार और करेंगे तो और अच्छा रहेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं आपसे, टाटा, बाय बाय, सी यू सून। एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है। और यहाँ पे बहुत सारे कोड्स आपको दिखे होंगे आज, तो अभी भी दिख रहे होंगे, पढ़िए। और आपको इसमें से कौन सबसे अच्छा लगा, यू कैन कमेंट डाउन, और इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए शुक्रिया। और ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि वो भी हमारे चैनल पे आएंगे, और उससे क्या होगा पता है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, रीच बढ़ जाएगी, कंटेंट में अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ उसको बताइए, वो भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बाय।